देखिए, आज सुबह सुबह हजारीबाग में एक दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें कलकत्ता से चलकर बिहार की राजधानी पटना जा रही एक बस हजारीबाग के बरकट्टा में गोरहर थाना पड़ता है उससे 200 मीटर की दूरी पर एक सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई, जिसमें लगभग दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं अगर अधिकारियों की माने तो 6 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि इस घटना के बाद जिला प्रशासन की सभी अधिकारी मुस्तैदी से वहां मौजूद थे और जितने भी घायल थे उन्हें नज़दीकी अस्पताल तथा हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल समुचित इलाज के लिए पहुंचाया गया है। तो वहीं 4 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। एक व्यक्ति की मौत अस्पताल लाने के दौरान हो गई और एक जो यहाँ पर इलाजरत थे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। यह पुष्टि हजारीबाग के सिविल सर्जन SP सिंह ने की है, जो अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ पर घायलों की जांच के लिए पहुँचे थे। हालांकि जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने सभी डॉक्टरों से अपील की है कि जो भी घायल जहाँ भी इलाज के लिए पहुँचे उसे समुचित इलाज दिया जाए। और अगर सूबे के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर इस घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की है तथा जितने भी घायल हैं उन्हें बेहतर इलाज और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सबसे पहले आप सुनिए, जब यहाँ पहुँचे सिविल सर्जन ने लोगों का जो घायल है उनका हालचाल जाना और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है। अपना गोरहर थाना जो आपको बरकट्टा प्रखंड है, हाईवे पर हुई है। एक बस जो है कलकत्ता से पटना जा रही थी और मोस्ट प्रोबेबली सुबह की ही बात होगी, 3 से 5 के बीच में घटना हुई। तो वहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल बरकट्टा था, वहाँ जो भी स्टाफ था जितनी भी चीज़ें वहाँ करनी थी रिफर करना था, उन लोगों ने सब कुछ किया। उन लोगों के द्वारा ही बताया गया कि 4 बस जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे स्पॉट डेथ हुआ है, बाकी सभी लोग यहाँ जितना मिनिमम समय लगता है उसके अनुसार सदर अस्पताल में आया। बाकी हमारे HOD सर हैं, हमारे सर्जन सर हैं, उन लोग मिल करके जितना संभव हुआ बचाने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी एक तो रास्ता में ही चूँकि एक्सपायर कर गया था तो उसको तो मोर्चरी में रख दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक महिला गैस्पिंग में थी तो रिफर के भी अवस्था में नहीं थी, तो यहाँ पर प्रयास किया गया लेकिन हम तो उसको बचाया नहीं जा सका। बाकी सभी लोग ठीक हैं। एक मरीज है जिसका कि पैर लेसरेटेड हो गया था, उसको थोड़ा काटना पड़ा तो वो अभी ठीक है, उसको ब्लड वगैरह चलाया जाएगा। तो कुल मृतकों तक कितने हुई सर? कैजुअलिटी टोटल आपको इसको अगर ले लेते हैं तो 6 हो गए। सुना आपने सिविल सर्जन ने क्या कुछ बताया। अगर इस अस्पताल से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ भी जितने भी घायल हैं उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है और जिला प्रशासन की टीम इन सभी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है। सभी लोगों का उचित इलाज हो, बेहतर इलाज हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। शशांक शेखर, न्यूज 22स्कोप, हजारीबाग। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए GST काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड, शर्त लागू। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।